नमस्कार भैया, मैं हूँ सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज सिर्फ यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग जानते हैं सेल्फी राज के बारे में, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पे झूठ मूठ की अफवाह, काफ़ी फेक वीडियो, काफ़ी फेक न्यूज सोशल मीडिया वेबसाइट पर काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, जो कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को कुछ अलग, कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को मैं पिछले वीडियो में साबित कर दिया था, यह वीडियो जो कि प्राइवेट वीडियो, जो कुछ लोगों का कहना है कि यह वीडियो उनका है, तो मैं सबसे पहले सॉल्व कर देना चाहता हूँ, मेरे भाई वह वीडियो उनका नहीं है। जब कोई आगे बढ़ता है तो पीछे टांग खींचने वाला 10 गो लोग आ जाते हैं। आप लोग खुद समझ सकते हैं, जो लड़की इतना स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके यहाँ से यहाँ तक आई है, क्या वह अपने लाइफ को इतना सरल तरीका से गलत कर देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। इसके वजह से मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं जो उनके दुश्मन लोग हैं, उनको यह साजिश होगा, उनका कुछ गेमिंग होगा कि उनको किसी भी तरीका से फंसा देना चाहिए, ताकि उनका मार्केटिंग सिंगल लोगों से टूट जाए। तो सबसे बड़ी राज मैं बता दूं, जो कि सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो वह उनका जो वीडियो है, उनका वीडियो यह नहीं है, वह झूठा साबित हुआ है। जितने भी फेक न्यूज़ बनाते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप लोग ऐसा गलती प्लीज़ न करें, वह वीडियो पूरा तरीका से फेक है। अगर कुछ लोग नहीं जाने होंगे और मतलब बिना जाने हुए अगर बता दिए होंगे तो खैर कोई बात नहीं है, वो भूल चूक से अगर आप डाल दिए हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर आप लोग को पता मिल गया होगा, कोई यूट्यूबर देख रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग दोबारा गलती ना करें। नेक्स्ट बात आते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री आए दिन कुछ ना कुछ विवाद में रहता है। अगर ऐसा चलता रहा तो नए सिंगर का क्या होगा, नए सिंगर का उठने का मौका आखिरकार कब मिलेगा? इसमें तो भाई नए सिंगर को काफ़ी दब जाएगा, और जो भी हमारे भोजपुरी कलाकार, यानी ज़्यादा खास करके लड़की, क्या हमारी इंडस्ट्री में कोई आना चाहेगी तो क्या उनके माता पिता परमिशन देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ज़्यादा होता है कम, फैलाया जाता है ज़्यादा करके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा न करें। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, जो कि अगर उन कुछ लोगों का कहना है ये चीज़ सेल्फी राज्य का है, तो मैं उनसे यह विनती करना चाहता हूँ सेल्फी से, कि आप लाइव आइए, लाइव आके बोल दीजिए कि आप लोग ऐसा ना करें, मेरा वीडियो नहीं था, केस सॉल्व होता है, बातें ख़त्म होती है, न कल से कोई वीडियो डालेगा, न विवाद बढ़ेगा, न आपकी बदनामी, न किसी और की बदनामी होगी, इंडस्ट्री की बदनामी इंडस्ट्री में ही छुप जाएगी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट काम ये कीजिए, और जितने भी फेक वीडियो डालने वाले से विनती है, आप लोग ऐसा न करें। जो कि मैं बता दूँ, यह वीडियो किसी अलग का है, जो कि एक एमिनेशन वीडियो होता है, जो कि किसी के फेस काट करके यूज कर दिया जाता है, ये होता है। तो यह वीडियो पूरा सारा सरी झूठा है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, यही इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, यह वीडियो पूरा फेक है। तो आप सभी भाइयों का यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, नीचे हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सब लोग जान पाएंगे। तो फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।